नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल पर। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि सर्वप्रथम सभी मित्रों से मैं बोलना चाहता हूं कि सभी दोस्तों को, साथियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आगे जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसमें आप लोग बहुत बेहतर करें। कुछ लोग पिछले वर्ष भी अच्छे किए होंगे और कुछ लोग मायूस होंगे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो जो लोग थोड़े थोड़े अंकों से, जैसे लेखपाल का रिजल्ट आया जिसमें बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं उनका नहीं हो पाया, किसी कारणवश किसी का एक नंबर, किसी का आधा नंबर से नहीं हो पाया, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं। नेक्स्ट वर्ष में ढेर सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और या आ रही हैं, आप उसमें कार्यरत होंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने सामने वैकेंसीज बहुत सारी होंगी। देखिए, जैसे कि कांस्टेबल हैं, ASI है और कंप्यूटर ऑपरेटर की है, SI की वैकेंसी भी आने वाली है। UPSSC में डिफरेंट टाइप की वैकेंसीज है, जैसे BPO है, जूनियर असिस्टेंट है, और वन रक्षक की एक वैकेंसी आई थी वो भी है। अब BDO का रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। जो पिछले वर्ष जो लेखपाल रिजल्ट आया उसमें जो जो भी छात्र या छात्रा, जो भी मित्र हमारे मतलब कि कुछ कुछ थोड़ा 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 नंबर से रह गए हैं, उनके लिए आगे का अवसर है। आप लोगों को याद भी होगा कि 11 फरवरी को हमारा RO का एग्जाम भी है और PCS का भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है आज। तो ऐसे ढेर सारी वैकेंसी सामने हैं आपके, जो जो लोग भी असफल हो चुके हैं, थोड़े थोड़े नंबर से रह गए हैं, उनके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। तो वो लोग निराश ना हो, आगे निरंतर प्रयास करते रहें। और आगे निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपको मुकाम जरूर हासिल होगा। जैसे कि देखिए, अब देखिए मेरा देखिए, दो तीन एग्जाम में असफल होने के बाद, SI जैसे बड़े एग्जाम में फाइनल मेरिट से बाहर होने के बाद, फिर अब इस वाले जो लेखपाल रिजल्ट आया उसमें सफलता हासिल हुई। उससे पहले दो तीन एग्जाम रेलवे के, जैसे NTPC का हुआ, उसमें फाइनल में बाहर हुए, और CRPF का एक फाइनल रिजल्ट उसमें निकल गए थे। तो देखिए, फिर भी हम आगे प्रयासरत रहे, तो इसी ऐसे ही आप लोग भी प्रयासरत रहेंगे तो आगे आप लोग को सफलता जरूर हासिल होगी। अब आप लोग लगे रहिए, अच्छा अच्छा RO का एग्जाम दीजिए। और RO का एग्जाम भी देखिए आपके एकदम 11 तारीख को बहुत नज़दीक है, और इसी तरह से BPO का भी जल्दी एग्जाम होने वाला है, जो विलेज पंचायत ऑफिसर का, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी थी, और एक एग्जाम जूनियर असिस्टेंट का जो 5,568 के करीब है, उसका फॉर्म भरे होंगे आप लोग, तो उसका भी शॉर्ट लिस्टिंग जल्द ही जारी हो जाएगा। बाकी का आप कांस्टेबल का फॉर्म, अगर आपका एज है 3 साल का रिलैक्सेशन पाने के बाद अगर आपका एज आ रहा है तो आप जरूर कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे। और ASI अगर आपके पास ओ लेवल है, ओ लेवल के साथ या ओ लेवल का समकक्ष कुछ भी है, जैसे PGDCA हुआ है, अन्य डिग्री आपके पास है, तो आप लोग ASI का फॉर्म जरूर भर देंगे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, उसका तैयारी करेंगे, मायूस नहीं होंगे, कोई भी मित्र मायूस नहीं होगा, और आगे निरंतर कर्तव्य पथ पर बढ़ता रहेगा। ठीक है, फिर एक बार सभी मित्रों को नव वर्ष की शुभकामनाएं, और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, यहाँ पर कंटेंट आपको प्रॉपरली मिलता रहेगा और जानकारियाँ मिलती रहेंगी सभी एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि कांस्टेबल से रिलेटेड कि उसका सिलेबस क्या होगा, क्या कैसे कैसे उसकी रणनीति बनाई जाए, क्या प्रिपरेशन किया जाए। आप देखे होंगे हमारे चैनल पे भी कि लगभग धे IAS के 8 टेस्ट GS के और 8 हिंदी के कराए जा चुके हैं, ऐसे ही हम सेक्शनल टेस्ट धीरे धीरे कराते रहेंगे। आप लोग अन्य अब BPO का धीरे धीरे हम सब एग्जाम्स के कोशिश में हम सब एग्जाम्स के बारे में हम धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। सभी मित्रों को फिर एक बार नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।